नमस्कार, जय गुरुदेव। मेरा नाम इंदु भाई परमार, गोधरा से हूँ, पंचमहल जिला गुजरात से। मेरी प्रोफाइल आज पूरा राष्ट्र सो रहा है, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। यदि मैं सो गया तो राष्ट्र की क्या हालत होगी? मैं सोने वाला नहीं हूँ। बंगाल से ईरान तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे राष्ट्र को एक बनाना है। हमारे राष्ट्र पर किसी शत्रु की छाया भी न पड़नी चाहिए। पूरे राष्ट्र में हमारी गौरव गरिमा बढ़नी चाहिए। शत्रु की इतनी हिम्मत भी न चले कि भारत देश पर अपनी उंगली उठाकर वो भारत की गरिमा को खंडित करने के लिए वो कुछ दुस्साहस करने का प्रयास करें। हमें शपथ लेना है साथियों कि कोई भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, लेकिन हमारे राष्ट्र पर जो उंगली उठाना चाहता है उसे हमें ऐसा शपथ सिखाना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर वो भूल जाए कि पूरे हिंदुस्तान पर उंगली उठाने से क्या फायदा होता है। मेरे आचार्य का शपथ है। मेरे आचार्य ने कहा है कि हिंदुस्तान एक मसीहा, ऐसा मसीहा देश है कि जहां से पूरे विश्व में क्रांति होगी। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर पूरे राष्ट्र की गौरव गाथा है, पूरे विश्व की गौरव गाथा है, और इस गौरव गाथा को हमें आगे बढ़ाना है साथियों। हमें शपथ लेना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमारे राष्ट्र की गरिमा बढ़ानी है। पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे युवाओं के अंदर, पूरे युवाओं को चरित्रवान बनाना है। अगर युवान चरित्रवान बन गया तो समझो पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ जाएगा। अगर गौरव बढ़ा तो आन बान शान से हम राष्ट्र की प्रगति कर सकेंगे। सिर्फ प्रगति नहीं, हमें आध्यात्मिक क्रांति भी करनी है, आध्यात्मिक चेतना को भी जगाना है। और आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक क्रांति तभी हो सकती है कि राष्ट्र का युवान प्रगतिशील हो, चिंतनशील हो, विवेकी हो, प्राणवान हो, ऊर्जावान हो, धैर्यवान हो, विचारवान हो और शक्तिवान हो और निर्व्यसनी हो। अगर निर्व्यसनी युवान हमें मिलता है इस तो ये राष्ट्र की बड़ी कृपा होगी। इस राष्ट्र का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि पूरे विचारशील और क्रांतिवान युवान हमें मिले। मिला था एक युवान हमें, उसका नाम था विवेकानंद। क्या हमने विवेकानंद को नहीं जानते? जानते हैं। तो क्यों हमने विवेकानंद बने? आइए हम सब शपथ ले, प्राण ले कि हम भी विवेकानंद से कम नहीं है। मेरे साथियों, हमें आगे ही बढ़ना है। ओके, जय गुरुदेव।